हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैंटा माई नेम इज प्रत शर्मा एंड दिस इज अट टॉपिक दैटेजनोमैट्रिकॉर ग्रेट टेंथ हम लोग ये कोशिश करेंगे तीन सेशन में कंप्लीट करने की क्योंकि आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ होमवर्क भी होगा नेक्स्ट सेशन में वही होमवर्क को आंसर करूंगा कुछ नए क्वेश्चंस और होंगे फिर थर्ड सेशन में और उसके रिविजन्स जो होंगे जब हम कवर करेंगे फाइनल स्लॉट के अंदर तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे चलिए इसका रोड मैप देखते हैं एंगल्स एंड डिस्टेंसिस और एप्लीकेशन क्या होता है सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम लोग जब भी जैसे मान लो मेरे को घर के काम से बाहर जाना है कुछ चीज खरीदने के लिए किराने की दुकान पे जाना है तो मैं जब यहां से निकला हूँ सुपर मार्केट जाना है किराने की दुकान आजकल थोड़ा सा ऐसा है कि कई लोगों को नहीं पता होता ये टाउन या गाँव के अंदर होता है बाकी बड़े शहरों में तो ये क्या होते हैं आप सोचिए कि एक पूरा का पूरा मार्ट जैसा होता है जैसे वी मार्ट टी मार्ट इधर आपको ग्रोसरीज मिलती हैं रोज का जो डेली रूटीन में जो भी काम होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक है ना वो सारे के सारे आपको किराने की दुकान पे भी मिलते हैं और बड़े मॉल्स में अब तो सिटी का सिटी में मॉल्स होते हैं तो उधर आपको मार्ट जो सिस्टम होता है उधर मिल जाते हैं ठीक है चाहे वो सुपर मार्केट कोई सा भी मार्केट बिग बाजार हो एनीथिंग तो जब हम अपने घर से निकल रहे हैं सामान लेने के लिए तो हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं अगर शहर में हैं तो अगर टाउन में हैं तो भी बिल्डिंग्स तो होती हैं वहाँ गांव में भी बिल्डिंग्स होती है या गांव में और कुछ नहीं तो आपको पोल दिखेंगे इलेक्ट्रिक के ठीक है या आपको आ, क्या कहते हैं कुछ कैनोपी अरेन्जमेंट दिखेंगे ठीक है जो किसी चीज को प्रमोट कर रहे होंगे तो हर चीज में क्या होता है मैथमेटिक्स इसको ऐसे दिखता है कि हर चीज के अंदर मैथमेटिक्स है आप किसी चीज को जैसे एक बिल्डिंग को देख रहे हो आप नीचे अपनी गाड़ी पे हो गाड़ी आप कोई भी इस, एक स्कूटर ले सकते हो स्कूटर पे हो आप या बाइक पे हो आप ऊपर देख रहे कर हो, उस बिल्डिंग का टोटल एरिया कितना उसने ऑक्यूपाई कर रखा है तो ये सब चीजें कैसे पता पड़ती है हमें कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वही चीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हम निकालते हैं तो चलिए आगे देखते हैं इसको सबसे पहला पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट क्या होता है जैसे आप ये मान के चलो आपने स्नाइपर के बारे में सुना होगा कि स्नाइपर्स होते हैं आर्मी में होते हैं ठीक है ना कुछ पर्सनल भी होते हैं तो आर्मी वाले स्नाइपर मैं पर्सनल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाएगा आप ये मानते कि स्नाइपर आर्मी में ही होते हैं तो जब भी स्नाइपर को बोला जाता है कि आप क्लियर शॉट लो दूर एक लोकेशन से ठीक है तो वो ये बोलता है कि ये मेरी लाइन ऑफ साइट में है ये मेरी लाइन ऑफ साइट में नहीं है मतलब अगर उसको जो भी सस्पेक्ट है वो लाइन ऑफ साइट में दिख रहा है तो वो शूट कर देगा सस्पेक्ट उसको लाइन ऑफ साइट में नहीं दिख रहा है तो शूट नहीं करेगा क्योंकि वो कॉल नहीं ले सकता तो लाइन ऑफ साइट क्या जो मेरी आंखों की सीट के अंदर है ठीक है मतलब मेरे को क्लियरली क्लियरली वो दिख रहा है ऑब्जेक्ट कि कहाँ पे है ऑब्जेक्ट हुआ सस्पेक्ट हुआ कुछ भी हो सकता है कोई ह्यूमन बॉडी है तो तो फिर वो स मतलब अगर सस्पिशियस है तो बोलेंगे उसको या नॉर्मली किसी को भी अपन देखते हैं तो वो लाइन ऑफ साइट में आ गया पर लाइन ऑफ साइट को जज करने का तरीका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपकी आ, की में होना चाहिए। आप तो सर ऊपर भी हो सकता है आपने कोई ऊपर होर्डिंग लगाया है मान लो कि आप देखते हैं ना नेशनल हाईवे पे जाते तो ऊपर लिखा हुआ होता है जैसे बेंगलुरु इतने किलोमीटर दूर है या दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है तो वो होर्डिंग पे भी आपकी नजर पड़ी तो वो आपकी लाइन ऑफ साइट हुई तो मेजर करने का तरीका क्या है एक लाइन होती है जिसके रेस्पेक्ट में अपन मेजर करते हैं वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन कि कि ओ ओ पे एक एक आप ये मान के चलो कि ओ एक ऐसा पोजीशन है जहां पे किसी ने अपनी मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आंख वहां पे है वो ऑब्जर्वेशन में है ठीक है मतलब आंख से आंख से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसने खुद को वहां अलाइन कर रखा है ऐसा आप मानो तो ओ एक्स जो सीधी लाइन है वो हॉरिजोटल लाइन होगी और पी एक ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा ऊपर है हॉरिजोंटल लाइन से तो जब वो आंख को ऊपर करेगा उसको देखने के लिए तो वो उसकी लाइन ऑफ साइट होगी ठीक है तो लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन राइट एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने ऊपर देखा हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन के तो जो एंगल बन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तो वो जो एंगल होता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि ये उठा हुआ है सिमिलरली अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है एक ठीक है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा अबोव होगा एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन से अबोव ऑब्जेक्ट होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये एग्जाम्पल है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन है आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी सतह हो गई ऐसी ही हो, सीधी पे आप खड़े हो आप उधर से नीचे ही देखोगे ना कुछ चीज को देखने के लिए कि कार्स जा रही है ट्रक्स जा रहे हैं बस जा रहा है जो भी है तो जब आप नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है क्यों क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्ट जो है वो हॉर्जोंटल लाइन के नीचे है तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और uh, इसके बीच में हॉर्जोंटल के बीच में वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको थोड़ा एनोटेट करके आपको बता देता हूं कि अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एक चीज ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में सिमेट्री भी एक कॉन्सेप्ट होता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये लाइन अगर इस ये लाइन इसके पैरेलल होती है हमेशा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो देखो जेड बन गया ऑल्टरनेट एंगल बन गया एक ट्रांसवर्सल अगर मैं सी भी मानू तो ये ऑल्टरनेट तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये है एग्जाम्पल अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट इज बी सी क्योंकि वो ऐसी साइट है जो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है और वो आपकी आई को कनेक्ट कर रही है एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ठीक है आई होप दिस इज क्लियर इन द गिवन फिगर अमित इज ऑब्जर्विंग टू मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री एट पॉइंट ए एंड पॉइंट पी द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर देखो ए वाले के लिए तो पचास डिग्री हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है है ठीक है ये मैंने ग्रीन ले रखा है मैं दूसरा ले लेता हूँ ये लाइन ऑफ साइट है और यह हॉजल लाइन है आपकी ठीक है तो ये एंगल तो ट्वेंटी हो गया और ये एंगल कम्प्लीट हो गया तो ये फिफ्टी हो गया तो फिफ्टी और ट्वेंटी वाला कॉम्बिनेशन है तो वो आपका आंसर हो गया इस केस में क्या है अमीज इज ऑब्जर्विंग अ बोट ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है मैंने आपको बताया था ये यहाँ से अगर आप जेट बनाओगे ये भी फिफ्टी डिग्री है ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये लाइन ऑफ साइट आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल होता है वो एंगल ऑफ होता है बस फिफ्टी डिग्री का आंसर ये तो क्लियर कट आंसर था इन द गिवन फिगर अ पॉइंट पी इज बींग ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर एट आर यहाँ पे आर पे बैठे हैं और पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ठीक है तो आर पे जहां पे बंदा बैठा है वहां पे उसकी आई है ठीक है यहाँ पे उसकी आई है अब वो बोल रहे हैं तो ये क्या हो गई लाइन ऑफ साइट हो गई तो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ठीक है ये मैंने थोड़ा इधर गलत बना दिया इसको ऐसे बनाना था आपको एक मिनट रुको देखता इधर से कुछ इरेस इरेस होता है हाँ देखो अब देखो इसको यहाँ पे उस बंदे की आंख है ठीक है तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एचएल हो गई तो एंगल फोर जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है

आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजिशन पी एंड क्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एब्जेक्ट ए है गिवे फिगर वर द एंगल डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑब्जर्विंग पॉइंट ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा यह ऑरिजोनटल लाइन हुई इसके लिए भी ये ओरिजोनटल लाइन हुई एच एल एच एल ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ यही एंगल ऑफ हुआ ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन है देखो ये Z बना रहा है ये क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि 90 बनाता है सिमेट्री है, तो ये थर्टी डिग्री हो गया तो ये वाला भी एंगल थर्टी डिग्री हो गया आंसर आपका चीजें आपको करनी आनी चाहिए आराम से आंसर आएंगे ठीक है

तो थीटा कितना होगा टेन थीटा इज रूट थ्री तो इसका मतलब ये हो गया टेन ये हो गया टेन थीटा इक्वल डिग्री बस आ गया आपका आंसर क्लियर था अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको एक एच डब्ल्यू मार्क कर देता हूं ठीक है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा करेक्ट एक तो होमवर्क है अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड इसी का सेकंड पार्ट है जो होमवर्क मिलेगा आपको द टॉप स्ट्रक्ट द ग्राउंड ट्री था वो टूट गया टॉप जो है वो उसका ग्राउंड पे आ गया एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री ठीक है ये एंगल थर्टी डिग्री हो गया मान लो ये पूरा पहले पेड़ था ये यहां से टूट गया तो ये जो टॉप है ये ग्राउंड पे आ गया तो ये ऐसा दिखने लग गया तो जो ग्राउंड पे जो टॉप आया वो ये वाला पॉइंट है ये वाला एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर्स अवे फ्रॉम द फोर्ट ठीक है फ्रॉम द रूट फ्राइन द होल हाइट ये कैलकुलेट करना है आपको ए बी सी हो गया पॉइंट दे दो तो भाई टेन थीटा लगा देंगे इक्वल्स व्हाट तो, तो यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कितना हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू टेन डिवाइडेड बाय रूट थ्री रूट थ्री से रूट थ्री कट गया एच तो इसका मतलब h इक्वल्स कितना हो गया tan √3 हो गया और ये किस में आ गया मीटर्स में आ गया यही आपका आंसर है सिंपल इट इज ए सिंपल एंड दिस इज योर होमवर्क अगेन सिंपल है ज्यादा टफ नहीं है डायग्राम बनाओगे चीजें क्लियर हो जाएंगी डायग्राम मैंने दे रखा है और लेडर 15 मिनट सॉरी oh, 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल तो मान लो फिफ्टीन मीटर्स लॉन्ग तो ये लेडर है ठीक है एक वॉल है इसका टॉप पे ये ऐसे रीच हो गई है ठीक है an wall, okay, ये फिफ्टीन मीटर लॉन्ग है इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री विद द वॉल ओके देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल ये कैलकुलेट करना है अपन को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये डिग्री हो गया क्योंकि राइट एंगल ही बन रहा है ठीक है ये सिक्सटी नाइनटी हो गया तो कितना बचा आप थर्टी डिग्री ये थर्टी डिग्री आ गया टेन थीटा लगा सकते हैं नहीं कुछ और लगा सकते हैं क्या कोई और एंगल कोई और कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमारे पास में पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले है ठीक है हमारे पास में हाइपोटेनियस दे रखा है हाइपोटेनियस है ठीक है परपेंडिकुलर कैलो पीओपन एच कैलकुलेट करेंगे थीटा कैलकुलेट कर लो इज परपेंडिकुलर ओवर फिफ्टीन साइन थर्टी कितना होता है मैंने आपको बताया था एक जीरो वन टू थ्री फोर सबको फोर से करके रूट कर दो जैसे जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री ऐसे करके बताया था मैंने आपको एक चीज ठीक है तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है तो पहला आंसर आ गया जीरो ये हो गया वन बाय टू बस ये आपका आंसर आ गया साइन थर्टीन तो यहाँ से आ गया एच इक्वल फिफ्टीन बाई टू इट यही आंसर है ठीक है चलो वैसे तो ये क्वेश्चन जो था ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते ठीक है लेकिन इधर ही हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई रियली वांटेड टू डू दिस इन थ्री सेशंस राइट तो मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बना रखी हैं उसके लिए तो विल बी कंप्लीटिंग दिस इन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम ब बाय टेक केयर स्टे सेफ